है, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू से आपको देंगे, क्योंकि अगर आपके बच्चे जम्मू के अंदर 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो जानकारी आपके काम की है कि जम्मू डिवीजन के लिए 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। jkbose.nic.in पर परिणाम घोषित किए गए हैं। जम्मू डिवीजन के लिए 10वीं कक्षा के परिणाम को घोषित किया गया है, आपको जानकारी दे रही है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। हाल ही में हमने देखा था कि कश्मीर में भी परिणाम को घोषित किया गया था, जब लड़कियां अव्वल रहीं, बाकी लड़कियों की तरफ से 12वीं कक्षा में भी मारी गई थी, लेकिन 10वीं कक्षा का परिणाम अब जम्मू के अंदर भी घोषित कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके ही किससे जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त की है। ऋषि खजूरिया इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि, जम्मू डिवीजन के लिए 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, वेबसाइट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, jkbose.nic.in पर वो क्लिक करें, वहां से परिणाम को जांच सकते हैं और वहां से अपने परिणाम को निकाल सकते हैं। फिलहाल क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कश्मीर के अंदर लड़कियों ने बाजी मारी थी, जम्मू के अंदर क्या रहा होगा? देखिए, बिल्कुल, कई दिनों से ये बेसब्री से यहाँ 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उनका जो रिजल्ट आता है, उसके बाद वो आगे 11th और 12th के लिए जो वो अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो अभी कुछ देर पहले ये रिजल्ट जो वो घोषित हो चुके हैं जम्मू कश्मीर स्कूल ऑफ बोर्ड एजुकेशन की तरफ से। तो इसके लिए जो वेबसाइट स्क्रीन पर चल रही है, तो यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर बच्चे अपना रिजल्ट भी जो वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि कश्मीरी डिवीजन में देखा तो वहां पर लड़कियों ने बाजी मारी है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि लड़कियां ही यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी एक जो मेहनत होती है उसका जो मेहनत का फल है वो लगातार बच्चे भी चाहते हैं कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा जाए, जिसको लेकर ये जो रिजल्ट सामने आया। तो बच्चे अब 11th 12th के लिए अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, क्योंकि हायर क्लासेस है और हायर क्लासेस को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी जो तैयारियां वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के चलते भी बच्चों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों ने जो एक प्रयास किया था कि अच्छा किया जाए, इन एग्जाम में अच्छा किया जाए, जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो भी कुछ देर पहले ये लिस्ट जारी की गई है, तो देखना यह कि लड़कियों ने कितनी परसेंटेज यहाँ पर हासिल की है। अभी फिलहाल ये आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर भी लड़कियों ने बाजी जो वो एक बार फिर से मारी है यहाँ 10वीं के नतीजों में। ठीक है ऋषि, लेकिन जो वेबसाइट हम बता रहे हैं, इसी के जरिए क्या परिणाम को चेक किया जा सकता है या और कोई भी जरिया है? क्योंकि jkbose.nic.in हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि वहां पर आप जाकर क्लिक करिए और जानकारी हासिल करिए। जी बिल्कुल, देखिए अच्छा आपने सही कहा, ये ऑफिशियल वेबसाइट यही है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड की, तो इसी के ऊपर जाकर जो है वो अपना नतीजा चेक कर सकते हैं। फिलहाल दूसरा तो कोई जरिया नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि अगर आपको वेबसाइट पर कोई दिक्कत पेश आती है तो वहाँ सोशल मीडिया के जरिए भी ये जो परिणाम है ये सामने आ जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि बच्चों ने जिस तरह से एक मेहनत की है, मेहनत का फल मिला है, तो वो बच्चे भी इसमें होंगे कि जिनको कहीं ना कहीं निराशा आग लगी होगी, लेकिन उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि निराश नहीं होना है, आपने और मेहनत करनी है और एक अच्छा मुकाम आने वाले दिनों में आपने भी हासिल करना है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर लड़की एक बार फिर से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल ऋषि खजूरिया जानकारी दे रहे हैं कि आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं jkbose.nic.in पर, तो आप जाइए, अगर आपके बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो जानकारी हासिल करिए। फिलहाल जानकारी इस वक्त की 5 के 5 में।